सुशांत की मौत के बाद से ड्रग्स केस हो या फिर पैसों के घोटालों की बात, ईडी और एनसीबी लगातार फिल्मी हस्तियों को समन जारी कर चुकी है और पूछताछ के लिए बुलाती रही है। अब इसी कड़ी में नई एंट्री हो चुकी है ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की। जी हाँ, बता दें कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची। जैकलिन को मामले में समन कर बुलाया गया था। बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में जैकलिन हाजिर हुई है। जानकारी के अनुसार जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। जैकलिन ने ईओडब्ल्यू रजिस्टर में साइन किए हैं और अब एक कमरे में उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जैकलिन को पिंकी ईरानी के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस के लिए तैयार की गई सवालों की लंबी लिस्ट रखी है। सभी सवाल ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस के रिश्ते और उनसे मिले गिफ्ट पर होंगे। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि पहली बार सुकेश से कैसे और किसके जरिए संपर्क में आई, उस दौरान कितनी बार सुकेश से मिली या फिर फोन पर संपर्क किया, जो गिफ्ट जैकलिन ने हासिल किए थे वो गिफ्ट लेने की शुरुआत कब और कहां से हुई और किसके जरिए गिफ्ट मिलने शुरू हो गए थे, जैकलिन फर्नांडिस लीना के संपर्क में कैसे आई और कितनी बार वो उनसे मिली थी। साथ ही ईओडब्ल्यू ने पिंकी ईरानी को भी जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। उन्होंने सुकेश को जैकलिन फर्नांडिस से संपर्क करने की मदद की थी, वो उन दोनों को जानती थी। सूत्रों के अनुसार जैकलिन को सूचित किया गया था कि उनकी जांच कुछ दिनों के लिए बैक टू बैक हो सकती है, इसलिए दिल्ली में रहने की तैयारी कर ले। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट में जैकलिन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नामित किया था, जिसमें सुकेश शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जैकलिन को सुकेश के आपराधिक मामलों में शामिल होने के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उनके आपराधिक अतीत को नजरअंदाज किया और इसके बावजूद वो उसके साथ फाइनेंशियली लेन देन में शामिल हो गई। जैकलिन के जरिए तैयार किए गए सवाल नोरा फतेही से भी पूछे गए सवालों से ज्यादा और अलग हो सकते हैं। नोरा फतेही को पहले बुलाया गया था। आर्थिक अपराध शाखा को ये भी पता लगाना है कि क्या इस मामले में शामिल दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे को जो गिफ्ट मिली उससे अनजान थी। इससे पहले ईडी ने जानकारी देकर पहले ही कहा था कि जैकलिन फर्नांडिस के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर 2021 को दर्ज किए गए थे, जहां उसने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। कर्नाटक में बेंगलुरु के मूल निवासी सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठग चंद्रशेखर पर रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान 200 करोड़ रुपए का रंगदारी रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 अगस्त और 20 अक्टूबर को फर्नांडिस से पूछताछ की थी। इसके बाद अधिकारियों ने कहा था कि फर्नांडिस ने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात को लेकर स्वीकार किया है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा था कि फर्नांडिस ने भारत के साथ साथ विदेशों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया था। यह धन शोधन निवारण अधिनियम यानी 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।